इसे ए रेस्ट टू द पावर एक्स है, तो इसमें ए को बोलते हैं अपन बेस और एक्स को बोलते हैं इंडेक्स, और इसको पढ़ते हैं अपन ए इज रेस्ट टू द पावर एक्स। ठीक है, ये तो बेसिक सी बात जो अपन को जानना चाहिए और तुम्हें आती भी है। ए इज रेस्ट टू द पावर एक्स, ए को बेस बोलेंगे, एक्स को इंडेक्स बोलेंगे। फर्स्ट रूल जो होता है इसका, फर्स्ट रूल देखो, नंबर वन, अगर सेम बेस हो पावर डिफरेंट हो तो ए रेस्ट टू द पावर एम प्लस एन हो जाएगा। बेस सेम है पावर डिफरेंट है। सेकेंड याद रखना है, ए रेस्ट टू द पावर एम बाय ए रेस्ट टू द पावर एन, बेस सेम है और इसमें है अगर डिवीजन में तो एम माइनस एन हो जाएगा। ए रेस्ट टू द एम रेस्ट टू द पावर एन, ए रेस्ट टू द पावर एम इंटू एन, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ए बी का होल पावर एम, इसका मतलब ए बी एम बी एम, ए अपॉन बी रेस्ट टू द पावर एम, ए एम बी एम, सिक्स्थ, इफ ए रेस्ट टू द पावर माइनस एम है तो नीचे आकर के प्लस हो जाएगा, अगर ए रेस्ट टू द पावर माइनस एन है ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, ए रेस्ट टू द पावर जीरो, इसका मतलब वन, अगर ए रेस्ट टू द पावर हाफ है तो इसको बोलेंगे रूट ऑफ ए, ए रेस्ट टू द पावर वन बाय थ्री है क्यूब रूट ऑफ ए, ए रेस्ट टू द पावर वन बाय एन है एन रूट ऑफ ए, ए रेस्ट टू द पावर एम बाय एन है तो एन रूट ऑफ ए रेस्ट टू द पावर एम। इतने से रूल्स हैं जो हमें याद होने चाहिए सोल्व करते समय। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप मोबाइल से अगर देख रहे हो तो। ले लिया बेटा? यस सर। चलो अब आगे चलते हैं, सुनो ध्यान से, प्रॉब्लम सोल्व करके देखते हैं इसमें, इस पर बेस्ड। मान लो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, एक्स रूट एक्स बाय एक्स स्क्वायर, ये कोई प्रॉब्लम है। ध्यान से देखो, ऊपर एक्स रेस्ट टू पावर वन, एक्स रेस्ट टू द पावर हाफ, एक्स रेस्ट टू द पावर टू, ये सारी पावर्स को अगर ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगी, ये माइनस में हो जाएगी, तो एक्स रेस्ट क्या आ जाएगा, अब टू माइनस फोर कितना हो गया बेटा? अगर ऐसे नहीं आया तो एलसीएम लेके कर लिया करो, टू एलसीएम। आपकी स्क्रीन पॉज हो गई है। मेरी स्क्रीन पॉज हो गई? आपकी स्क्रीन पॉज हो गई है यार, मेरी तो नहीं होना चाहिए, यहाँ तो चल रही बेटा, आपका इंटरनेट कमजोर है। दिखा? हाँ सर अब आया। तुम्हारा इंटरनेट कमजोर है बेटा, मेरी तो बहुत तेज स्पीड है, 150 की स्पीड है। ये देख, अगर मान लो 1 प्लस 1 बाय 2 माइनस 2, तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 1 और यहाँ माइनस 4, तो कितना हो जाएगा माइनस 1 बाय 2, और माइनस की पावर इसको नीचे ला करके प्लस में लिखेगा तो क्या हो जाएगा 1 बाय रूट ऑफ एक्स। और करते हैं, आप बताओ जरा, फाइव रेस्ट टू द पावर फोर इंटू थ्री रेस्ट टू द पावर थ्री डिवाइडेड बाय फाइव रेस्ट टू द पावर टू थ्री रेस्ट टू द पावर वन, क्या आंसर आएगा इसका? फाइव रेस्ट टू द पावर फोर माइनस टू कर दें इसको, थ्री रेस्ट टू द पावर थ्री माइनस वन कर दें, तो फाइव रेस्ट टू द पावर टू, थ्री रेस्ट टू द पावर टू, फाइव फाइव जा 25, थ्री जा 9, 225 इज द आंसर। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस? यस सर। हाँ और करते हैं,
देखो अब आप बताना इसका आंसर है ना, मैं नहीं बताऊंगा। एक्स स्क्वायर यहाँ थ्री लिखा हुआ है ना, थ्री एक्स फोर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स। फटाफट इसका सॉल्यूशन बताओ फुर्ती से, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर है, क्यूब रूट एक्स की पावर फोर है, नीचे रूट एक्स है। मैं बताऊं आप कर पाओगे? साफ बताइए। देख बेटा ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। यहां देख ऐसा लिखा था मैंने कि एन रूट एक्स की पावर एम, तो क्या होता है एक्स रेस टू द पावर एम बाई एन, तो यहाँ क्या होगा बोलो? फोर बाई थ्री, ये फोर ये थ्री, समझ गए? यस सर। हाँ अब नीचे क्या है बेटा? रूट ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या हो गया? हाफ, वन बाई टू। हाँ अब ये सारे जो बेस है वो सेम है, तो क्या लिख सकता हूँ? देखना ध्यान से, एक्स रेस टू द पावर टू प्लस फोर बाई थ्री माइनस वन बाई टू लिख सकता हूँ ना, ये तो दोनों मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएंगे, ये डिवाइड में था तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। थ्री एलसीएम, थ्री टू जाए सिक्स एलसीएम है, तो सिक्स टू जाए ट्वेल्व प्लस फोर टू जाए एट माइनस थ्री वन जाए थ्री, सेवनटीन बाई सिक्स, तो एक्स रेस टू दी पावर सेवनटीन बाई सिक्स। आप करके देखो, एक क्वेश्चन में देता हूं दोबारा। एक्स क्यूब एक्स फोर क्यूब रूट ऑफ एक्स, दिख रहा है? मैं पढ़ के बता रहा हूं, देखो यहां एक्स क्यूब, फिर फाइव, क्यूब रूट में फाइव है, एक्स रेस पावर फोर और क्यूब रूट ऑफ एक्स। इसको सोल्व करके बताओ क्या आएगा? मैं कर रहा हूं ना, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं है। ये क्या है? अंडर रूट हाफ सर, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए, अंडर रूट ए। अच्छा, अंडर रूट ए मतलब वो भी हाफ। जैसे फॉर्मूला बना रखा ना वैसे वैसे आप जमाते जाओ उसको, आ जाएगा बेटा। हाफ हाफ क्यूब प्लस हाफ क्यूब देख प्लस थ्री इंटू, देखो मैं सोल्व करता हूँ, आप मुझे बता देना आपने कहां तक सही किया, ठीक है? मैं सोल्व करता हूं और आप मुझे बताना कि सर यहां तक मेरा सही है, ठीक? ए क्यूब, ए क्यूब का मतलब रूट एक्स के पावर क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि रूट ए की पावर क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर, बी का मतलब रूट ए प्लस थ्री ए बी स्क्वायर यानी कि रूट एक्स और रूट ए का होल स्क्वायर, समझ गए? देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब थ्री ए स्क्वायर बी थ्री ए बी स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं, एक्स की पावर रूट एक्स का मतलब कितना हो गया? हाफ हाफ, देखो हाफ रेस टू थ्री एक्स, हाँ रेस थ्री प्लस, यहाँ भी ऐसे कैसे आएगा बेटा? वन बाई टू थ्री, ठीक है थ्री। अभी रूट एक्स का स्क्वायर क्या बताया था मैंने? एक्स बताया था, एक्स हाँ, देखो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकल जाएगा, यस। और ये हो गया हमारा ए, याद देखो लास्ट में थ्री रूट एक्स, तो रूट एक्स ये हो जाएगा ए,
ठीक है, तो इसको ऐसे ले सकता हूं, देखो 3/2, ए बी 3/2 प्लस 3x√a प्लस 3√xa, क्लियर? और करते हैं, और करते हैं, सर समथिंग एरर है क्या? बार बार स्क्रीन में सा ये चेक हो रही है, येलो येलो कलर के ग्रे कलर के स्ट्रिप्स आ रहे हैं। हाँ वो बीच में मुझे लग रहा है कुछ क्या टेक्निकल एरर है आजकल बरसात की वजह से ना। देखो इधर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये करो बेटा पहले, एक मिनट देता हूँ पहले आप करो। अरे यार कहाँ गया, नहीं सर मैं करता हूँ लास्ट में गया, लास्ट में गया, कोई बात नहीं चेक करो कहां तक सही है। a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है हमें बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है हमको, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, नहीं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला है, चलो चेक करो। तो r स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब r स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो a की जगह r स्क्वायर, b की जगह x स्क्वायर और माइनस क्या होता है प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो आपने ऐसा लिखा क्या लास्ट में, कोई बात नहीं। अच्छा बताओ आर स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा जब पावर मल्टीप्लाई, हाँ 4, यहाँ पर यही रहेगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा एक्स फोर, एक्स फोर समझे? यस सर। चलो एक और करते हैं, आप ये करो रूट ऑफ एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर, सर मैं करता हूँ वो, हाँ आप करो आराम से करो इजीली, ये सेम मेथड है, a स्क्वायर ab a माइनस b का होल स्क्वायर लगाओ इसमें, सर स्टार्टिंग में अंडर रूट x की वैल्यू हाफ ले लू, कैसे भी कर लो अंडर रूट x का स्क्वायर लिख दो या x की पावर हाफ की स्क्वायर कर दो, जैसे तुम्हारी मर्जी हो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रूट निकल जाएगा x प्लस 1/x
रूट से रूट निकलेगा एक्स एक्स कट होता है सर माइनस टू ए बी में टू इंटू अंडर रूट एक्स इंटू अंडर वन बाय अंडर रूट एक्स हाँ तो कट जाएगा वो ऊपर कैंसिल हो जाएगा एक्स भी कट जाएगा और क्या एक्स भी कट हाँ देखो इधर देखो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट एक्स वन बाय रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर देखो ये क्या हो जाएगा एक्स हो गया ना यहाँ पर ये रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया था यहाँ टू रह जाएगा ठीक है बेटा प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का एक्स आंसर सर मेरा वही आया ये आया ना गुड हाँ बहुत बढ़िया और करते हैं क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस वन बाय क्यूब रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है एक्स की पावर कितना वन बाय थ्री ओके सर वन बाय थ्री सिर्फ पहले वाले की जैसे ही है ना हाँ स्क्वायर लगाना है इसमें भी आएगा एक्स लेते हैं प्लस माइनस टू एक्स प्लस वन पॉइंट कट गया चलो चेक करो ए क्या है हमारे पास ये ए और ये बी देखो बेटा इधर अब क्यूब रूट ऑफ एक्स का मतलब एक्स रेस टू दी पावर वन बाई थ्री और स्क्वायर हम लगाएंगे इसी प्लस टू ए बी यानी कि टू एक्स रेस टू दी पावर वन बाई थ्री इंटू वन अपॉन एक्स रेस टू दी पावर बाई वन बाई थ्री और प्लस वन अपॉन एक्स रेस टू दी पावर वन बाई थ्री का स्क्वायर देखो मैंने सही लिखा क्या ध्यान से देखो एक्स रेस टू दी पावर वन बाई थ्री का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर अब इसको देखो कैसे लिखेंगे एम एन एम एन तो एम एन हो जाता है ना तो क्या हो जाएगा टू बाई थ्री प्लस ये कैंसिल हो गया टू रह गया यहां पर प्लस यहां वन अपॉन एक्स रेस टू दी पावर 2 by 3 answer. इधर देख x raised to the power 1 by 3 का square. इधर देखो x raised to the power 1 by 3 का square. ये m, ये n. तो क्या हो जाएगा? x raised to the power m into n. यानी कि 1 by 3 into 2. तो इसका मतलब x raised to the power 2 by 3. 2 by 3. समझे बेटा? Good. Yes sir. और, एक और करो. जब तक परफेक्ट नहीं होगी नहीं छोड़ूंगा देख हाँ सर क्यूब रूट ऑफ ए रेस टू दी पावर टू प्लस क्यूब रूट ऑफ ए रेस टू दी पावर टू वन बाई क्यूब रूट ऑफ ए रेस टू दी पावर टू और इसका क्यूब और टफ कर दिया क्यूब क्यूब ये लगेगा ये देखो यहाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर ध्यान से जमाओ इसको ध्यान से जमा के करो ओके सर
क्यूब रूट ऑफ ए रेस्ट टू द पावर टू का मतलब क्या हुआ, ए रेस्ट टू द पावर टू बाई थ्री। हाँ 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 बोलो। क्यूब रूट और क्यूब दोनों कट जाएंगे ना, यहाँ देखो हाँ वो दोनों बीच वाले में कट जाएंगे। हाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर ये आएगा। तो ये हो गया ए रेस टू द पावर फोर, थ्री से थ्री कैंसिल तो स्क्वायर हो गया, यहां पर वन बाई ए स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ टू बाई थ्री का स्क्वायर है और यहाँ टू बाई थ्री तो एक टू बाई थ्री लग जाएगा, थ्री ए रेस टू द पावर टू बाई थ्री। देखो यहां पर इसका स्क्वायर है यहां पर एक सिंगल है तो एक कैंसिल हो जाएगा प्लस नीचे आ जाएगा कैंसिल थ्री अपॉन ए रेस टू द पावर टू बाई थ्री, ये आएगा बेटा आंसर। ठीक है ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन में भेजता हूं आपको, आप करना इनको है ना, कल एक दो और डिस्कस करके कल नया टॉपिक लेंगे फिर। ओके सर। है ना बेटा, दूसरी मीटिंग ज्वाइन करो, मैं चालू कर रहा हूँ उसको। समझ आया कुछ? हाँ सर एक मिनट मुझे स्क्रीनशॉट लेने दीजिए। हाँ ले लो। थैंक यू सर। ओके अपन कल करते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है यस सर दूसरी मीटिंग ज्वाइन करो।